हेलो एवरीवन, तो SCS को टारगेट करते हुए हमारी तरफ से ये इनिशिएटिव है, आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं। अब क्या है कि हम इसमें कंसेप्ट भी देखेंगे और साथ के साथ हम क्वेश्चन भी देखेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके कोई भी टॉपिक है उससे आपको क्वेश्चन करना है तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसी टॉपिक से हम क्वेश्चन भी कराएंगे ताकि आपको कंसेप्ट सही से आए। तो चलिए, आज जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ इकोनॉमी के क्वेश्चंस है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपकी स्क्रीन पे, चलिए इसको देखते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन अगस्त 16, 1950, अगस्त 6, 1952, अगस्त 1, 1952, अगस्त 16, 1952। क्या लग रहा है आपको? मतलब यहाँ पे देखिए, आपको डेट और डे भी पता होना चाहिए, मंथ और डेट भी पता होना चाहिए, ईयर तो पता होना ही होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, ईयर याद करके चले जाते हैं, मंथ या डेट याद करके नहीं। ऐसा आप मत करें, हर एक चीज़ का याद करके जाएंगे, राइट? तो इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि देखिए, हमारी कंट्री में हम आज़ाद हुए और हमारी कुछ क्या थी, प्लानिंग थी। प्लानिंग थी कि हमने कुछ क्या करना है, अपना गोल अचीव करना है, और गोल अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है प्लान। प्लानिंग से आप अगर कोई भी चीज़ करते हैं तो आप स्मूथली, बिल्कुल जो आपने सोचा है वहीं पे आप अचीव करेंगे, ऐसा ही होता है। ओके, इसीलिए हमने सोचा आज़ादी के बाद कि प्लान बनाते हैं। प्लान बनाया, ओके, प्लानिंग कमीशन का क्या हुआ, गठन हुआ। तो ये कब हुआ, 1950 में। ओके, अब ये डिसॉल्व भी हो गया कब, 2014। तो आप बोलोगे अब क्यों पढ़ा रहे जब है ही नहीं। तो जो चीज़ चली गई उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे अगर एग्जाम पैटर्न देखें तो अभी भी क्वेश्चंस आ रहे, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्लानिंग कमीशन बनाता था क्या प्लान्स, लेकिन इसको अप्रूव किनके द्वारा किया जाता था, SDG, माफ करिएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब NDG। ये 1952 में आया। चलो, आपको आंसर पता चल गया, कोई बात नहीं, आप डेट और मंथ बताइएगा। हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बना वो 1951 को बना, और डिसॉल्व कब हो गया, 2017 को। ओके, 2017 को। तो बोलते आप तो बोल रहे हैं 14, 17 को कैसे, तो एक बार क्या हो गया था, बन गया था 12th 5 ईयर प्लान। उसके बाद 2014 में BJP गवर्नमेंट आई, तो नीति आयोग आ गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिजिड थे तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए था, और ऐसा चाहिए था कि इकोनॉमी के साथ साथ प्लान्स बने। ऐसा नहीं कि हमने बना लिया अब उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी में सिचुएशन अलग हो गई। तो ये क्या करते हैं, नीति आयोग, ये बनाते हैं एजेंडा, ये बनाते हैं स्ट्रैटेजी, ये बनाते हैं विजन, मतलब छोटे छोटे प्लान से दूरदर्शनीय प्लान्स बनाते हैं, बिल्कुल विजन की तरफ। तो नीति आयोग 2015। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अनएम्प्लॉयमेंट इन डेवलपमेंट कंट्रीज जनरली टेक प्लेस ड्यूटी, बेरोजगारी जो है डेवलप्ड कंट्री, यहाँ पे क्या है, डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, क्यों आता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी डेवलपिंग कंट्री में ऐसा क्यों देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। स्विच ओवर द वन जॉब टू अनदर, लोग क्या करते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करते, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट देखने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लाइक लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड, मतलब लोगों का डिमांड ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी पॉपुलेशन है, जितनी मर्जी डिमांड कर लो, हम तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन पॉपुलेटेड कंट्री बन गए हैं। सीजनल फैक्टर, क्योंकि सीजनल, 6 महीने काम करो 6 महीने, हाँ बोल सकते हैं, बट एक रीज़न नहीं है। लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि कोई दूसरा क्या है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। और आप देखेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर में कितने लोग हैं,
ऐसे लोग हैं जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती है, मतलब चाहिए 4 लोग, एंगेज कितने हैं 8 लोग, काम कितने कर रहे हैं उसमें 4, तो 4 लोग क्या हैं, डिस्गाइज। तो उनके पास क्यों डिस्गाइज है और क्यों अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। और यही चीज डेवलपिंग कंट्री में देखा जाता है, ऑप्शंस नहीं है, हम नहीं बोल सकते डिमांड की वजह से या फिर स्टॉक चेंज करके या फिर सीजनल, हाँ ये कारण हो सकते हैं, ये टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे, लेकिन जो बेसिक चीज है अनएम्प्लॉयमेंट का वो ये आपका परफेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट करते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थर्ड, Which of the following is not measure of human development index? Human development index बहुत सारे, अब आपने सोचा होगा एक होता है ग्रोथ, एक होती है डेवलपमेंट, राइट यही है। आप तक क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्या समझते हैं? तो देखिए ग्रोथ होता है जब जीडीपी का बढ़ना होता है, डेवलपमेंट क्या होता है स्टूडेंट, जब पॉवर्टी रिड्यूस होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, स्कार्सिटी कम होती है और क्या होता है इनइक्वालिटी कम होती है, तो हम बोलेंगे डेवलपमेंट। ऐसा क्यों? आप देख रहे हैं 7% से इंडिया जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, क्या इन चीजों में कमी आई है? हमारा रैंक एसडीआई रिपोर्ट में आपको बताऊं, ये यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करते, हमारा 132 है, बहुत बहुत क्या है रैंक खराब है हमारे। क्यों? क्योंकि ग्रोथ तो हम हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमने ये पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्वालिटेटिव चीजों पे नहीं किया, तो ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव और आपका डेवलपमेंट होती है क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ हम क्वालिटी भी देखेंगे। तो डेवलपमेंट मेजर करने के लिए बहुत सारे मेजरमेंट्स है, जैसे कि सबसे आया PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, उसके बाद इसमें कमियां थी तो HDI ले आ गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये UNDP भी कैलकुलेट करता और इंडिया खुद अपने स्टेट का भी HDI रिपोर्ट निकालती है, फिर ये भी इसमें कमी थी तो हम HPI, लेकिन ये आता है स्टूडेंट रैंक अभी भी आते हैं, फिर इसमें भी HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में भी गड़बड़ी थी तो हम लेके आए फिलहाल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स ओके, जो कि बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। क्या क्या देखते हैं इसमें? इसमें 3 इंडिकेटर होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेक्स रेशो, लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट, तो इसका आंसर होगा सेक्स रेशो। यहाँ पे मेल और फीमेल में अंतर नहीं देखा जाता, इसमें देखा जाता है कि लोगों की कितनी क्षमता है जीने की, लिटरेसी कितने पढ़े लिखे हैं और ग्रॉस एनरोलमेंट क्या है, और इसी में वन ऑफ द फैक्टर है राइट, एक होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, मतलब कि कितना एनरोल है स्टूडेंट ओके, और एक और इंडिकेटर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आपको कभी कभी GDP सकल घरेलू उत्पाद भी लिख देंगे। ये कब आया? ये आया 1990 में, कौन रिलीज करता है? UNDP। सबसे पहले किनके द्वारा? एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है मोहम्मद अल हक, उनके द्वारा लाया गया ओके, तो ये हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। विथ रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ओके, एक्सपेंडिचर से आपका क्वेश्चन ओके, एक्सपेंडिचर बजट में आपने पढ़ा होगा, बजट में आप पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर कितने टाइप होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या अगर टेक्नोलॉजी एक्वायर मतलब इनोवेशन करते हो, उस पर बहुत सारे इनोवेशन मॉडिफिकेशन करते हो तो वो क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ओके।
डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर कैपिटल एक्सपेंड. डेट फाइनेंसिंग मतलब कर्जा लेते हो अपने अपने डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इक्विटी मतलब कि आप शेयर्स बॉन्ड मार्केट में इशू करते हो और पैसा रेज करते हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. क्या होगा? तो इसका आंसर स्टूडेंट ओनली वन है, यस. जब अगर टेक्नोलॉजी पे एक्सपेंडिचर करते हो, इनोवेशन करते हो, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है. ओके, डेट फाइनेंसिंग भी आपका कैपिटल, क्योंकि जब आप डेफिसिट होता है और कहीं से बोरो करते हो और एक्सपेंडिचर करते हो, तो वो कैपिटल इन नेचर होना चाहिए. बट यहाँ पे इक्विटी जो है वो कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट है, ना कि कैप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, तो ये क्वेश्चन वन इज योर करेक्ट और सेकेंड इज योर इनकरेक्ट. एक सही है, दूसरा गलत है. क्वेश्चन नंबर हम फिफ्थ में बात करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. इसको अगर कोई भी इंसान पर स्क्वायर किलोमीटर में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, मोर्टेलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन, नन ऑफ दिस. पर स्क्वायर किलोमीटर को बोला जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, राइट. सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली कौन सी स्टेट है? बिहार. अगर यूटी की बात करें तो क्या है? दिल्ली, फिर चंडीगढ़. तो इसी प्रकार से ये सेंसस 2011 से, तो अब तक न्यू सेंसस नहीं आया. तो अगर आपका एग्जाम है, अगर देखें तब तक आ जाता तो आपको कराया जाएगा, नहीं तो आप 2011 का सेंसस ही करें. ओके, तो पर स्क्वायर तो आपको मालूम होना चाहिए. पर स्क्वायर निकलता है और वो क्या शो करती है? डेंसिटी, राइट स्टूडेंट. तो इसी प्रकार से आपको लगता है कि आपकी क्या है, कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं. आप देख पा रहे हैं बहुत कंसेप्ट आएगा, तो हमारी तरफ से अब देखिए कब आएगा हमें नहीं, आपको भी नहीं पता, लेकिन जब आएगा तब आप तैयारी करेंगे. नो, अभी से तैयारी करें. और इसके लिए गोयला क्लासेस की तरफ से कोर्स लॉन्च कर चुके हैं आप लोगों के लिए. आप अभी से तैयारी करें, जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपका टाइम होना चाहिए रिवीजन का. मतलब आप चिल होके बैठ के आप रिवीजन कर रहे हैं, अपनी अपने क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा होना चाहिए आपका अप्रोच. तो देखिए अब यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लियर करूंगी, हमारी तरफ से ऑप्शनल, मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि आप प्रिलिम कर लेते हो और ऑप्शनल के लिए तैयारी नहीं करते हो, या फिर मेंस के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स है, मतलब कि आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा और इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी, जिसके आपका जो है कंप्लीट जो है आपका, अगर आप GS प्लस पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है आपका, तो वो 39,999 में पड़ेगा. और इसी प्रकार से सारे ऑप्शनल है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. तो इसका कॉस्ट मतलब GS और प्लस आपका क्या होगा, आपका GS प्लस आपके ऑप्शनल दोनों पे. अब मान लीजिए ऑप्शनल नहीं ले, आपने सिर्फ ऑप्शनल लेना है, किसी स्टूडेंट ने आपका GS हो रखा है या सिर्फ GS लेना है, तो वो क्या होगा, आपको पॉलिटी सिर्फ ऑप्शनल की 24,999 में, हिस्ट्री आपको 24,999 में, ज्योग्राफी 24,999 में, और आपका GS 24,999. सिर्फ GS पढ़ना है आपने, आपको लगता है, वैसे तो सब करना चाहिए. आप देख ही पा रहे हैं कि हमारे लिए, हमारी तरफ से गोयला क्लासेस की तरफ से आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब कि आ सकता है और इसमें कंसेप्ट क्लियरिटी भी हम करते हैं, राइट, तो दे सकते हैं. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ. धन्यवाद.